गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सो आज का टॉपिक है हमारा ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन यूजिंग आर्डन्स मेथड। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज आर्डन्स मेथड। ओके, अब आर्डन्स मेथड कहती है कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, कोई आर ई कुछ इस तरीके से दिया है, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। ओके, उसको मैं लिख भी देता हूँ। इफ पी क्यू आर, क्या ओनली पी क्यू आर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस ओवर अल्फाबेट सेट, अल्फाबेट ही काफी है, अल्फाबेट सिग्मा एंड पी डज नॉट कंटेन्स नल, देन आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी हैज अ unique solution that is QP star. तो स्टेटमेंट समझ में आया? What is the statement? आर्डन्स मेथड का स्टेटमेंट क्लियर है? What is the statement? अगर आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है P और Q, तो अगर कोई इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास एट लास्ट जनरेट होता है R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, तो उसका एक सॉल्यूशन क्यू पी स्टार होगा। सो लेट्स सी, हम इसको चेक करते हैं ये कितना सही है। ओके, सो if it is given r equals to q plus rp, so let's substitute r equals to q plus rp, so let's place the qp star first, qp star in place of R. So R equals to Q plus Q P star P. So P star P क्या हुआ? What is P star P? P plus. Right. P plus. और मैं Q अगर यहां से अगर मैं Q एक अलग निकाल लेता हूं तो ये रहेगा null plus P star P. So this will be yes or no? ये तो associativity हो गया कि भाई मैंने क्यों यहां से निकाल लिया तो null और p star p आ गया, और p star p p plus होगा और null फिर से मैंने add कर दिया, then it is a p star. So at the end I got r equals to q p star. तो ये तो हो गया भाई solution से, राइट? नाउ लेट्स मूव विद अनदर वे, आर इक्वल्स टू Q
प्लस आर पी रिप्लेस आर विद क्यू प्लस आर पी, राइट। सो क्या होगा, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस ब्रैकेट में क्यू प्लस आर पी एंड देन पी। सो दिस विल बी लाइक क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर, राइट। अगेन ये वन है तो यहां आपने वन सब्स्टिट्यूट किया, अगेन वन सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, प्लेस वन। सो क्यू क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर पी एंड पी स्क्वायर। सो हम पहुंचेंगे क्यू क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यू, राइट। यस और नो? यस सर, राइट। सिंपल है। अगर मैं इसको n टाइम्स आगे बढ़ाता हूं सो आई विल गेट q प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी की पावर n, राइट। प्लस n माइनस वन नहीं होगा, इसकी n कर दो या p की पावर यहां पर n माइनस वन ले लो, चलो ये भी ठीक है, n माइनस वन आर पी की पावर n, राइट। यस सर, ऐसा कर लो, यहां n ले लो या n प्लस वन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट स्टिल ये क्लियर है। q नल प्लस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस अप टू पी की पावर n माइनस वन प्लस आर पी की पावर n, हाँ जी ये हो सकता है? यस सर, राइट। नाउ q p स्टार प्लस r p की पावर n, राइट। यही होगा कैसा? नो, हेलो, ऐसा ही कुछ होएगा ना? अरे बताओ ना, आर वी गोइंग रॉन्ग राइट और नॉट? यहां तक ठीक है ना? दिस सिंपली मीन्स आर हैव टू सॉल्यूशंस, वन इज क्यू पी स्टार, अनदर इज आर पी की पावर एन। अब मुझे एक बात बताओ, आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये आर पी की पावर एन कब हो सकता है? व्हाट इज द कंडीशन बोथ आर इक्वल? पी की पावर एन नल हो, राइट। पी की पावर एन नल होना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं पाएंगे इन एनी वे। दिस विल बी ग्रेटर ना, इन एनी वे राइट हैंड साइड विल बी ग्रेटर बिकॉज पी इज नॉट नल एज पर द डेफिनेशन, पी डज नॉट कंटेन्स नल, राइट। सो पी तो नल हो ही नहीं सकता, सो इन एनी वे दिस विल बी लेसर एंड दिस विल बी ग्रेटर, राइट। सो दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। राइट, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या सॉल्यूशन बचा? आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार,
इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन है? जस्ट सी दिस, एनी कंफ्यूजन इन इट? आगे बढ़े क्या? यस सर। ओके, नाउ लेट्स टेक कन्वर्जन। ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटा। हमारे पास कोई स्टेट है क्यू नॉट, इट इज एन इनिशियल स्टेट हैविंग अ लूप ऑफ ए। एक स्टेट है क्यू वन, अनदर स्टेट क्यू टू। नाउ दिस क्यू टू इज फाइनल स्टेट। क्यू नॉट से क्यू वन हमारे पास ट्रांजिशन बी है। क्यू वन पर बी का सेल्फ लूप है। क्यू वन से क्यू टू ट्रांजिशन आपके पास ए है। क्यू टू पर ए का सेल्फ लूप है, और क्यू टू से क्यू नॉट के लिए आप जा रहे हो बी ट्रांजिशन के साथ, राइट? नाउ व्हेन आई से, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, क्यू नॉट इज एन इनिशियल स्टेट, राइट? आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है इतना आगे बढ़ने के बाद। सो क्यू नॉट पे हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी? वॉट काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स वी विल रिसीव एट क्यू नॉट? कोई बताएगा? नल। नल बिकॉज इट इज एन इनिशियल स्टेट। और भी कोई स्ट्रिंग मिल सकती है हमें क्यू नॉट पर? नो सर। बिल्कुल मिल सकती है। वो सभी स्ट्रिंग जो क्यू नॉट पे जनरेट हो रही है उसमें अगर मैं ए कॉन्कैटिनेट कर देता हूं तो सारी मिलेंगी, बिकॉज क्यू नॉट से ए ट्रांजिशन शुरू हो रहा है और क्यू नॉट पर ही आ रहा है। इट इज इनकमिंग एट क्यू नॉट, राइट? ऑल दो स्ट्रिंग्स कमिंग टू क्यू नॉट एंड कॉन्कैटिनेटेड विद ए। ये आया समझ में? हेलो। यस सर। राइट, क्योंकि क्यू नॉट पे जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसमें अगर मैं ए कॉन्कैटिनेट करूंगा तो मुझे कहां मिलेगा? क्यू नॉट पर ही तो मिलेगा वो। सिमिलरली क्यू टू पर जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें अगर मैं बी कॉन्कैटिनेट करूंगा तो वो भी मुझे क्यू नॉट पर ही मिलेगा। यस सर। नो। यस सर। नाउ लेट्स मूव। सिमिलरली मैं क्यू वन के लिए अगर बात करूं तो क्यू वन पे मुझे क्या मिलेगा? क्यू नॉट कॉन्कैटिनेटेड विद बी। बिल्कुल ठीक, क्यू नॉट कॉन्कैटिनेटेड विद बी। क्यू वन कॉन्कैटिनेटेड विद बी। क्यू वन कॉन्कैटिनेटेड विद बी। व्हाट एल्स? नथिंग।
नेक्स्ट इज क्यू टू, राइट? सो क्यू टू पे क्या क्या मिलेगा आपको? क्यू वन कॉनकैटिनेटेड विद ए प्लस क्यू टू कॉनकैटिनेटेड विद ए, राइट? हेलो यस सर, ना, अगर मुझे ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है, इस ऑटोमेटा का, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन किस स्टेट से निकलेगा? फाइनल स्टेट ऑब्वियसली, बिकॉज दी हमें वो चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल है, राइट? सो अ फाइनल स्टेट क्यू टू के लिए हमें क्यू वन चाहिए, राइट? क्यू वन के लिए क्यू नॉट चाहिए, इजेंट इट राइट और नॉट? सो क्यू वन जो है वो क्यू नॉट के टर्म में है, और क्यू नॉट जो है वो क्यू टू के टर्म में है, अगर आप यहां देखेंगे ना। कंसीडर नाउ, लेट्स टेक, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। सो लेट्स टेक टू क्यू वन इक्वल्स टू क्यू नॉट बी प्लस क्यू वन बी। सो इफ आई आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर बी, इज दिस क्लियर? ये समझ आया? हेलो, ये समझ आया क्या? नहीं सर, अब तो एक स्टेट है ना। सो आर इज रिप्रेजेंटिंग क्यू वन, एंड क्यू वन को यहां जब हमने लिया है तो क्यू वन एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्ट्रिंग्स जनरेटेड एट क्यू नॉट और क्यू वन और क्यू टू, क्यू इज रिप्रेजेंट, क्यू इज क्यू नॉट कॉनकैटिनेटेड विद बी, विच मीन्स क्यू नॉट माइट बी जनरेटिंग सम स्ट्रिंग्स एंड अनदर स्ट्रिंग बी इज कॉनकैटिनेटेड विद इट। अगेन पी इज स्मॉल बी, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? क्यू पी स्टार। सो क्यू वन इक्वल्स टू क्यू क्या है आपका? क्यू नॉट बी एंड बी स्टार, क्यू पी स्टार। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू नॉट बी बी स्टार, मैं दोनों को मर्ज अभी नहीं करूंगा। नाउ यू गॉट क्यू वन इन टर्म्स ऑफ क्यू नॉट, नाउ लेट्स टेक इक्वेशन क्यू क्यू थ्री, क्यू टू इक्वल्स टू क्यू वन डॉट ए प्लस क्यू टू डॉट ए। सो क्यू वन जो है वो क्यू नॉट बी बी स्टार है, सो क्यू नॉट बी बी स्टार ए प्लस क्यू टू ए, एंड हेयर इट इज क्यू टू। सो आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, सो सॉल्यूशन इज क्यू पी स्टार। सो क्यू टू इक्वल्स टू क्यू नॉट बी बी स्टार ए ए स्टार। सो आई गॉट क्यू टू इन टर्म्स ऑफ क्यू नॉट। राइट, क्यू टू इन टर्म्स ऑफ क्यू नॉट। नाउ दिस वन वॉज टू,
दिस वन वॉज थ्री, नाउ टेक वन, क्यू नॉट इक्वल्स टू नल प्लस क्यू नॉट ए, सो वॉट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट तो एज इट इज क्यू नॉट ही है, तो क्यू नॉट तो क्यू नॉट ही रहेगा, क्यू नॉट डॉट ए प्लस क्यू टू बी, सो क्यू टू बी क्या है, क्यू नॉट बी बी स्टार ए स्टार बी, सो क्यू नॉट इज इक्वल टू नल प्लस क्यू नॉट ए प्लस बी बी स्टार ए स्टार बी, सो आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी मीन्स क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू पी स्टार, सो ए प्लस बी बी स्टार ए स्टार बी होल स्टार, अल्टीमेटली क्यू नॉट इज ए प्लस बी बी स्टार ए स्टार बी होल स्टार। अल्टीमेटली हमें चाहिए किसके लिए, चाहिए हमें क्यू टू फाइनल के लिए, सो विल प्लेस दिस क्यू नॉट एट क्यू टू, सो व्हाट वी विल गेट, क्यू टू विल बी ए प्लस बी बी स्टार ए स्टार बी होल स्टार, बी बी स्टार ए स्टार। ये आया समझ में? ये आया समझ में? नमस्कार। ओके, कौन से पॉइंट पे क्या समझ में नहीं आया बताओ, सो दैट आई विल रिपीट दैट पार्ट। अरे ये वाला आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, वहां से समझा दो। आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, तो आर्डेंस मेथड समझ में आ गई थी या वो भी नहीं आई है? अगर वो नहीं आया तो मैं वहां से समझाऊंगा, मैं वो आ गया सर। वो आ गया। तो R इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी का एक सॉल्यूशन है विच इज क्यू पी स्टार, इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब सबसे पहले जब हमने इक्वेशन टू पे हमने देखा था तो क्या था, क्यू वन इक्वल्स टू क्यू नॉट डॉट बी क्यू वन डॉट बी, यही बात यस सर। राइट? नाउ अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आर है। अब आपको आपको दो चीजों समझने में दिक्कत आ रही होगी। पहली चीज, ये आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी हम लगाएं कैसे, और हम ये कैसे तय करें कि कौन सी इक्वेशन हमें पहले चूज करनी है, यही बात। यस सर। अब आपको देखो, अल्टीमेटली जो आपको सॉल्यूशन मिलना है वो कहां से मिलना है, क्यू टू से मिलना है, क्योंकि क्यू टू आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है ना? अब क्यू टू में अगर मैं डायरेक्टली ये क्यू प्लस आर पी लगाने जाऊंगा आर्डन्स मेथड, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो किसके टर्म में निकलेगा, क्यू वन के टर्म में निकलेगा। यस यस और नो? यहाँ पता ही नहीं चल रहा सर, यही समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर नाउ चेक दिस, यहां पर मैंने क्या लिखा, आर इक्वल्स टू क्यू वन, दिस क्यू वन, क्यू इक्वल्स टू दिस, मैं ना कलर दूसरा ले लेता हूं, आर क्यू वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगेन फिर से आर आ गया और ये पी हो गया। तो अगर मैं यहां पर आर्डेंस मेथड अप्लाई करता हूं, जिसकी वजह से मेरा सॉल्यूशन आएगा क्यू पी स्टार,
ये अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं तो पहली चीज अप्लाई क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मेशन मिल रहा है, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी मिल रहा है यहां, ठीक है। यहां भी क्यू वन है और यहां भी क्यू वन है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्यू वन है, राइट हैंड साइड भी क्यू वन है, इसीलिए मैं अप्लाई कर पा रहा हूं, नहीं तो ये अप्लाई नहीं कर सकता था। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, क्यू और पी स्टार, तो क्यू मेरा क्या है, क्यू नॉट बी, सो क्यू नॉट बी, और पी क्या है, बी बी पी स्टार, तो बी स्टार, सो क्यू वन इक्वल टू आर, इसका सॉल्यूशन हो गया आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। नाउ इसमें क्या कंफ्यूजन है? यस सर, अब आपके पास ये बात आती है कि भाई जब हमें फाइनल स्टेट से लेना है तो हमने पहले क्यू नॉन फाइनल स्टेट क्यू वन क्यों ली, क्योंकि जो फाइनल स्टेट है क्यू टू, वो क्यू टू जो है वो क्यू वन के टर्म में डिफाइंड है। सो क्यू वन के टर्म पहले आपको क्यू वन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसलिए हम क्यू वन पे गए। जब हम क्यू वन पे गए तो हमारा सॉल्यूशन निकला क्यू नॉट के टर्म में, तो जब हमने क्यू नॉट के टर्म में क्यू टू को यहां रखा तो हमारा जो क्यू टू का सॉल्यूशन है वो आया क्यू नॉट के टर्म में, और क्यू टू जो है वो क्यू नॉट की इक्वेशन में अवेलेबल है। तो जहां हमने क्यू टू की क्यू टू का जो सॉल्यूशन है वो क्यू नॉट में रखा, तो यहां राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्यू नॉट ही रह गया। तो हमारी सारी स्टेट कहां जाके रिमूव हुई, क्यू नॉट में जाकर के, क्यू नॉट में जाके ही तो आपको एक प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन मिला। उससे पहले तो सारे रेगुलर एक्सप्रेशन स्टेट के टर्म में डिफाइंड थे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब क्यू नॉट पे जाके आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्लियर हुआ, यही बात। लेकिन क्यू नॉट हमारा सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा क्यू टू से, और क्यू टू जो है वो क्यू नॉट के टर्म में डिफाइंड है। तो जो क्यू नॉट का सॉल्यूशन था वो हमने क्यू टू में रिप्लेस कर दिया और हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहां पर आ गया। इसमें क्या कंफ्यूजन है किसी और को भी अगर है तो? आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये समझ लीजिए आर्डन्स मेथड का, या तो स्टेट एंड प्रूव आर्डन्स मेथड, या फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ आर्डन्स मेथड, ये एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। एंट्री लेवल एग्जाम कोई भी हो ऑटोमेटा का, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, इट इज इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ओके? तो मुझे लगता है एक एग्जाम्पल हम और लेंगे तो समझना और आसान हो जाएगा। लेट मी टेक, लेट मी फाइंड सम स्पेस। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स से वी हैव अ स्टेट ए, ए हमारी इनिशियल स्टेट है, इस पे लूप है स्मॉल ए का। अनदर स्टेट बी, ए से बी पर हम जा रहे हैं ट्रांजिशन बी के साथ, और बी से हम ए पर आ रहे हैं ट्रांजिशन ए के साथ। वी हैव अनदर स्टेट सी, सी इज अ फाइनल स्टेट, सो बी से सी हम जा रहे हैं स्मॉल बी के साथ, सी पर जो है वो स्मॉल बी का लूप है, और सी से ए पर हम वापस आ रहे हैं ए के साथ, राइट? सो लेट्स राइट इक्वेशंस। सो इक्वेशंस क्या बनेंगी हमारी, सबसे पहले ए की इक्वेशन अगर देखें तो ए क्या बना, नल बाय डिफॉल्ट प्लस। इनपुट कहाँ कहाँ से आया, बी से आ रहा है, सी से आ रहा है और ए से आ रहा है। सो बी से आ रहा है बी स्मॉल ए प्लस,
सी स्मॉल ए प्लस ए स्मॉल ए। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, इक्वेशंस में कोई कंफ्यूजन है इक्वेशन में? सर ओके, अगर मैं स्टेट बी की बात करूं तो स्टेट बी पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्लियर है? और सी की अगर हम बात करते हैं तो सी पे हमारे पास दो इनपुट हैं, सो बी स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी स्मॉल बी। तो ये हमारे पास तीन स्टेट आ गई। एनी कंफ्यूजन इन इट? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? हमारा नो सर। सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन निकलेगा सी से। सी जो है वो बी के टर्म में डिफाइंड है, राइट? सी जो है वो बी के टर्म में डिफाइंड है और बी जो है वो ए के टर्म में डिफाइंड है। तो अल्टीमेटली हमें सबसे पहले ए का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और ए जो है वो ए बी सी तीनों के टर्म में डिफाइंड है। तो भाई कैसे करेंगे? कोई सॉल्व करने से पहले क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से सॉल्व करें आपका सॉल्यूशन निकलेगा? कोई बताएगा? इक्वेशन 1 और 2 यूज करके। सबसे पहले अगर मैं सी को लेता हूं, जस्ट थिंक अबाउट, बी इक्वल्स टू कैपिटल ए बी है तो ये तो डायरेक्टली रिप्लेसेबल है। सो लेट स्टार्ट, स्टार्ट भी छोड़ो, ये सब कहाँ लिख रहे हैं। मैं लिया सी इक्वल्स टू कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी स्मॉल बी एंड आई रिप्लेस्ड बी बाय ए बी। सो सी इक्वल्स टू ए डबल बी प्लस सी बी। इज इट ओके? इज इट ओके? क्योंकि बी में मुझे आर्डेंस मेथड इसलिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पर कोई मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ए बी। अगर मैं यहां पर आर्डेंस मेथड लगाता हूं सी में तो मेरा रिजल्ट किस टर्म में आएगा? ए के टर्म में, और बी मेरा ऑलरेडी ए के टर्म में, तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान है। सो आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी। सो आर इक्वल्स टू, दिस लीड्स आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। सो सी इक्वल्स टू ए बी 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 स्टार। यस और नो? यस सर। राइट नाउ सी इज इन टर्म ऑफ ए, बी इज इन टर्म ऑफ ए एंड ए इज इन टर्म ऑफ बी सी एंड ए। सो ये रिप्लेस किए जा सकते हैं। सो ए इक्वल्स टू नल प्लस प्लस कैपिटल बी ए प्लस कैपिटल सी ए प्लस कैपिटल ए ए। सो ए इक्वल्स टू नल प्लस बी इज ए बी ए, सी इज ए बी 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 स्टार एंड ए प्लस ए ए। सो ए विल बी नल प्लस ए बी ए प्लस बी 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 स्टार ए प्लस ए। राइट? यस और नो? यस सर। सिंपल है। एंड आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी सॉल्यूशन विल बी
पी स्टार, देयरफॉर ए इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, स्मॉल बी ए प्लस बी 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 स्टार ए प्लस ए होल स्टार. सो फाइनल सॉल्यूशन विल बी, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो सी से आएगा. सो सी क्या होगा, सी विल बी स्मॉल बी ए बी बी हुआ ना. सो ए विल बी, मैं पहले लिख देता हूँ, सी विल बी ए स्टार, दिस इज सी राइट. तो सी विल बी ए प्लस बी 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 स्टार ए प्लस ए, देन दिस इज द आंसर. इज दिस क्लियर? ये क्लियर है क्या? चेक दिस आउट. हेलो, यस सर, क्लियर है. राइट ना. सो विद दिस, दिस वन इज क्लियर. नया टॉपिक हम शुरू कर सकते हैं, बट आज करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाए. वैसे मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ ना, ऑटोमेटा से ग्रामर कैसे, वो अगर आपको ऑटोमेटा दिया हुआ है, फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उससे ग्रामर कैसे बनाएंगे, ये मैं बता चुका हूँ ना आपको क्लास में. नो सर, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए पूछ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, नो सर, नहीं बताया? ये तो छोटा सा ही है, दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट वन, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं लगता है. सो लेट मी सर ब्रेक का टाइम हो गया है. बस 2 मिनट का है, दिस इज आई मीन ये इतना छोटा है कि बस 2 मिनट में ही हो जाएगा. सो एफ ए टू आर जी, इसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्राम. तो सिंपल स्टेप है इसके. पहला स्टेप है, जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो एक्ट करती है, एक्ट एज स्टार्टिंग सिंबल. सेकंड, अगर ट्रांजिशंस जो है डेल कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, देन सबसे पहले ए कैटेगरी, ए कैटेगरी के हिसाब से कैपिटल ए इंप्लाइज स्मॉल ए बी इफ बी इज अ नॉन फाइनल स्टेट. और बी क्या हो गया, ए इंप्लाइज स्मॉल ए बी कॉमा ए इंप्लाइज स्मॉल ए इफ बी इज अ फाइनल स्टेट. और थर्ड केस है, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम देन
then make them separate, then make them separate. So बहुत ही सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल यही वाला ऑटोमेटन ले लेते हैं, लाइक ए इनिशियल लूप ए कैपिटल बी, यहाँ से बी चले गया, यहाँ से ए आ गया, एफ सी, सी इज ए फाइनल वन, सो बी, ए लूप हो गया आपका बी का और यहाँ पर ए. सो ए अगर इनिशियल स्टेट है तो ए आपका एज ए इनिशियल सिंबल फॉलो करेगा. आपका ट्रांजिशन है ए से ए के लिए, तो ए स्मॉल ए अगेंस्ट डेल ए कॉमा ए इक्वल्स टू ए. तो आपके ट्रांजिशंस क्या क्या होगा है, डेल ए कॉमा बी इज बी, डेल ए कॉमा सॉरी डेल बी कॉमा ए इज ए, डेल बी कॉमा बी इज सी, डेल सी कॉमा ए इज ए, एंड लास्ट है आपका डेल सी कॉमा बी इक्वल्स टू सी. सो डेल ए कॉमा ए के लिए ये हो गया डेल ए कॉमा बी, सो ए इम्प्लाइज स्मॉल बी बी. अब ये नॉन फाइनल है इसलिए यहाँ पर सिंगल सिंगल आ रहा है, सो बी ए ए, नाउ बी बी सी, नाउ सी इज द फाइनल स्टेट, सो बी इम्प्लाइज बी सी इज द वन और एक यहाँ और ऐड हो जाएगा, नाउ दिस सी इज कैपिटल, बी इम्प्लाइज स्मॉल बी, राइट. Now, similarly, C implies A. So C implies small a A. Now C implies BC. So C implies small b capital C तो हो गई होगा. C implies B भी है. Right? So this is how we can create regular grammar from the finite automata. ये इतना ही 2 मिनट का ही था और इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स है भी नहीं. इज इट यस और नो? हेलो हेलो यस. सो सिंपल है ना? सो आई एम एंडिंग दिस हियर और कल की क्लास में हम थोड़ा सा रेगुलर ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर ग्रामर. और अगर कल हो सका तो 2 थ्योरम्स और पढ़नी है इसके बारे में हमें. एक माइहल निरोट थ्योरम है और एक पंपिंग लैमा करके एक थ्योरम है. सो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है रेगुलर वाला, रेगुलर ग्रामर और फाइनाइट ऑटोमेटा, दिस विल टेक 2 to 3 lectures और मैक्स 4 lectures. तो ये हमारा खत्म हो जाएगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ 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 बोलो, सुन रहा हूँ. सर प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स प्रोवाइड करा दीजिए. अच्छा, मैंने इंडिविजुअल किसी को भेजा था, मैं ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है ना? मैंने वैसे क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा. हाँ क्लासरूम पे ही तो कह रहा हूँ, क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है? ठीक है सर. हाँ ठीक है. सो लेट्स एंड दिस हियर. ओके बाय.